हेलो दोस्तों, यहां पर हम लोग बात करेंगे आईपीएल 2021 के 25वें मैच के बारे में जो कि आज शाम को खेला जाने वाला है। वीडियो में जानकारी क्या क्या है सबसे पहले आपको वही बताएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो। तो वीडियो में जानकारी मिलेगी, पिच रिपोर्ट, मौसम की बात करेंगे, प्लेइंग 11 की बात करेंगे, खिलाड़ियों की हालिया फॉर्म की बात करेंगे और प्लेयर्स बैटल्स की बात करेंगे और बनाएंगे एक परफेक्ट फैंटेसी टीम। तो अगर आपको लगता है कि ये सारी जानकारी आपके काम आने वाली है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। तो दोस्तों, ये होगा आईपीएल 2021 का 25वां मैच और ये मुकाबला खेला जाने वाला है डीसी वीएसके किया, यानी कि डेल्ही कैपिटल्स नाम कोलकाता नाइट राइडर्स, और ये मुकाबला खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम को 7:30 पर ये मैच शुरू हो जाएगा। ग्राउंड की दोस्तों अगर बात करते हैं तो इस ग्राउंड के ऊपर इससे पहले दो मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम एक मुकाबला जीती, पहले गेंदबाजी करने वाली टीम एक मुकाबला जीती। पिच को ओवरऑल देखते हैं, मैचों को अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर ये लगता है कि चीज़ करना इजी है, जबकि पहले बैटिंग करके जीतना कठिन है, क्योंकि जो एक मैच डिफेंड हुआ है उस मैच में भी एक रन का ही रह गया था डिफरेंस। तो इसलिए यहाँ पर चीज़ करना इजी है, जबकि पहले बैटिंग करके जीतना मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आज था डबल हेडर। इस मैच के वीडियो से पहले एक और मैच था, उसका वीडियो आ चुका है। अगर आप में से कुछ लोग नए होंगे, कुछ लोग पुराने होंगे, जिन लोगों ने नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया तो वो वीडियो आपको नहीं मिला होगा। तो इसीलिए आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि आईपीएल के हर मैच का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके उसको ऑल कर दो। इससे आपको पता चल जाएगा, जब भी आईपीएल के अगले मैच का वीडियो आएगा सबसे पहले आपको पता चलेगा और आप उस वीडियो को देख पाओगे, आपका टाइम थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं होगा। पीएस बनाम स्पिन आंकड़ों की बात करेंगे, तो जो दो मैच खेले गए हैं उनको स्टडी करते हैं। तो यहां पर जैसे आप देख पा रहे हो, पहली पारी की बात करते हैं, दूसरी पारी की बात करते हैं, तेज गेंदबाजों ने विकटें ज्यादा ली है, स्पिनर गेंदबाजों ने विकटें कम ली है। खासकर दूसरी पारी में तो स्पिनर गेंदबाज और कम विकटें लेते हैं, केवल एक ही विकट ली है दूसरी पारी में, जबकि पहली पारी में 5 विकटें ली है। अब इस पिच को अगर ध्यान से समझते हैं तो इस पिच में ऐसा है कि पावर प्ले में दोनों पारियों में विकटें गिरती है, पहली पारी में भी दूसरी पारी में भी। इसलिए जो ऊपर के टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं उनको कैप्टन वाइस कैप्टन आपने कम ही करना है। ऐसा मैंने पहले भी आई थिंक जब दूसरा मैच इस ग्राउंड के ऊपर होने वाला था तब भी मैंने बोला था, वीडियो में बोला था, लेकिन खुद भूल गया और मैंने वही गलती की, अपनी फैंटेसी टीम में ऊपर वाले प्लेयरों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया था और वन साइडेड हारा था। तो ये गलती नहीं करनी है, इस विकेट के ऊपर पावर प्ले में पहली पारी में और दूसरी पारी में दोनों पारियों में विकटें गिरती है, तेज गेंदबाजों को शुरू में हेल्प मिलती है, ये याद रखिए। लेकिन आज कौन सी पिच के ऊपर मैच होगा ये आपको पता चलेगा टेलीग्राम के ऊपर, क्योंकि हो सकता है कि आज इसी ग्राउंड के ऊपर किसी और पिच के ऊपर मैच हो, तो ये जो आंकड़े हैं इनके वो सिर्फ बहुत उल्ट हो जाए, फिर आप बोलोगे कि मैंने बोला था कि शुरू में हेल्प मिलती है, तेज गेंदबाजों को शुरू में विकटें गिरती है और हो सकता है आज फ्लैट विकेट के ऊपर मैच हो जाए। ये आपको टेलीग्राम पे पता चलेगा टॉस होने से 10 मिनट पहले, और टेलीग्राम के ऊपर ही आपको पता चलेगा दोनों टीमों की प्लेइंग 11 सबसे पहले, टॉस किस टीम ने जीता है सबसे पहले वो आपको टेलीग्राम पे पता चलेगा, और उसके अलावा इस मैच की फाइनल और फैंटेसी टीम भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। इसलिए वीडियो को पॉज करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में नहीं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम के ऊपर जाओ, चैनल को ज्वाइन करो और उसके बाद वापस आ जाओ। इस वीडियो में आगे बात करते हैं, एवरेज स्कोर की बात करेंगे। पहली पारी का जो एवरेज स्कोर है अभी तक जो दो मैच हुए हैं उनके अनुसार 146 रन, दूसरी पारी का एवरेज स्कोर 157 रन, सबसे बड़ा स्कोर बना 171 रन, सबसे कम स्कोर बना 123 रन। मौसम की बात करेंगे, मैच के दिन मौसम रहने वाला है 42 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक, क्लियर स्काई, कोई भी बारिश होने की शंका नहीं है। अब दोस्तों आप लोगों के लिए एक बढ़िया ऑफर है माई 11 सर्कल का, जो लोग जानते हैं पहले से जुड़े हुए हैं वो तो लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग नए होंगे उन लोगों के लिए दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं। तो माई 11 सर्कल का जो बढ़िया ऑफर है वो ये है कि यहां पर आप माई 11 सर्कल के ऊपर 1 रुपए में 1 करोड़ जीत सकते हो और इस लीग में आप 15 टीमें लगा सकते हो। बढ़िया, बहुत बढ़िया ऑफर है यार। देखो 15 टीमें अगर आप लगाते हो 15 रुपए आपके लगते हैं, और पूरे आईपीएल के जो बचे हुए मैच हैं आप कैलकुलेट करके देख लो, आपके 500 रुपए भी नहीं बनते हैं, मतलब आप 500 रुपया भी खर्च नहीं कर रहे हो और खुद को मौका दे रहे हो 1 करोड़ जीतने का। इससे बढ़िया ऑफर मुझे नहीं लगता कि किसी और एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिलेगा। इसके अलावा यहां पर एक और ऑफर मिलता है आपको, चैंपियंस को बीट करके डबल कैश जीतने का, वीवीएस लक्ष्मण और जंकिया रहाणे जैसे चैंपियंस को बीट करके डबल कैश जीतने का। तो अगर आप चाहते हो इन ऑफर का फायदा उठाना तो माई 11 सर्कल का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे पहले कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कहीं से भी आप इसको डाउनलोड कर लो और इसके ऊपर साइन अप करो और खेलना शुरू कर दो।
प्लेइंग 11 की बात करते हैं, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, स्टीव स्मिथ, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोइनिस, शिमरन हेटमायर, अक्षर पटेल, अमित मिश्रा, कंगीसोर बाडा और ईशांत शर्मा, अवेश खान। तो ये रहेगी प्लेइंग 11 दिल्ली कैपिटल्स टीम की। आप अगर बात करते हैं हम लोग केकेआर टीम की प्लेइंग 11 की, शुभमन गिल, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, सुनील नारायण, यन मोगन, एंड्रे रसल, दिनेश कार्तिक, पैट कमिंस, शिवम मावी, प्रसिद्ध कृष्णा और वरुण चक्रवर्ती। आप दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स टीम के खिलाड़ियों के हालिया फॉर्म के बारे में। पृथ्वी शॉ बढ़िया फॉर्म में है और उसके अलावा लेकिन इस विकेट के ऊपर इनको कठिनाई आ सकती है, जैसे कि मैंने बोला कि टॉप ऑर्डर के प्लेयरों को जहाँ पर कठिनाई आती है पावर प्ले में विकेटें गिरती है। शिखर धवन बढ़िया फॉर्म में है, हो सकता है कि ये सर्वाइव कर जाएं, लेकिन पृथ्वी शॉ का इस विकेट के ऊपर शुरू में सर्वाइव करना कठिन है। स्टीव स्मिथ की अगर बात करते हैं तो वो भी इस विकेट के ऊपर अच्छा कर सकते हैं क्योंकि वो पेस बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं। ऋषभ पंत की बात करते हैं, नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे और नीचे जो बैटिंग करते हैं वो इस विकेट के ऊपर अच्छा करते हैं क्योंकि शुरू में ही यहाँ पे हेल्प रहती है। मार्कस स्टोइनिस की बात करते हैं तो मार्कस स्टोइनिस भी अच्छे फॉर्म में है, नीचे बैटिंग करते हैं और बॉल के साथ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ललित यादव की बात करते हैं, जे भी अच्छे फॉर्म में है। शिमरन हेटमायर बहुत बढ़िया फॉर्म में है कह सकते हैं, पिछले मैच में जो धमाकेदार पारी खेली थी अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने भी इनको नहीं लिया था फैंटसी टीम में। गेंदबाजों की बात करते हैं, मार्कस स्टोइनिस जैसे मैंने बोला गेंद के जरिए भी कंट्रीब्यूट करेंगे लेकिन अभी तक कुछ ज़्यादा नहीं किया है कि ब्लेक की विकेट ली है। इस विकेट के ऊपर मुझे लगता नहीं कि वैसे ये ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएंगे। क्रिस वॉक्स नहीं खेलेंगे लगता है, लुकमान मैरीवाला भी लगता है नहीं खेलेंगे, आर अश्विन तो बाहर हो चुके हैं, टॉम करन नहीं खेलेंगे, अमित मिश्रा खेलेंगे, अच्छे फॉर्म में हैं, 6 विकेटें ले चुके हैं लेकिन इस विकेट के ऊपर स्पिनर गेंदबाजों को ज़्यादा हेल्प नहीं है। रबाडा अच्छे फॉर्म में है, इस विकेट के ऊपर इनके पास हेल्प है विकेट से विकेटें लेने की, पावर प्ले में अगर 2 ओवर करते हैं लेकिन एक ही ओवर कई बार इनसे करवाया जाता है। अवेश कर्ण सबसे बढ़िया फॉर्म में है, लगातार विकेटें चटका रहे हैं, ये तो आपके लिए ऑटोमेटिक मस्ट पिक प्लेयर है। ललित यादव की बात करते हैं तो एक मैच खेला और एक विकेट इन्होंने लिया। अक्षर पटेल की बात करते हैं तो इन्होंने 2 मैच खेले हैं और 3 विकेट चटका चुके हैं, ये भी अच्छे फॉर्म में। ईशांत शर्मा पिछला मैच खेले थे और आते ही विकेट लिया था, पावर प्ले में बॉल करेंगे और ये विकेट चटका सकते हैं, 1 से 2 विकेट इनके नाम आ सकती है। केकेआर टीम के खिलाड़ियों की बात करते हैं, नीतीश राणा की बात करते हैं, अच्छे फॉर्म में है, कंसिस्टेंसी के साथ पहले बैटिंग कर रहे थे लेकिन अभी पिछले कुछ मैचों से लगातार फेल हुए हैं और इस मैच में टॉप ऑर्डर के प्लेयरों को वैसे भी दिक्कत आने वाली है। शुभमन गिल की अगर बात करते हैं, पिछले कुछ मैच काफ़ी इनके फीके रहे हैं, कोई बड़ा स्कोर इस आईपीएल में अभी तक नहीं किया है, फॉर्म इनके पास नहीं है। राहुल त्रिपाठी एक बार फिर से, राहुल त्रिपाठी इस मैच में अच्छा कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, ओपन नहीं करेंगे तो वहाँ पे इनके पास सर्वाइव करने का थोड़ा सा चांस बन जाता है। एंड्रे रसल की बात करते हैं तो अच्छे फॉर्म में है। इयान मॉर्गन फाइनली पिछले मैच में अच्छा नॉक इनका देखने को मिला। दिनेश कार्तिक भी अच्छे फॉर्म में है। सुनील नारायण की बात करते हैं तो नारायण बल्ले के जरिए अभी तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है लेकिन इस मैच में हो सकता है कर जाए। केकेआर टीम के गेंदबाजों की बात करते हैं, हरभजन सिंह नहीं खेलेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा सबसे बढ़िया फॉर्म में है, जी गेंदबाज सबसे बढ़िया फॉर्म में, एक मैच को छोड़कर बाकी सारे मैचों में विकेटें ली है इसने। साकिब अल हसन नहीं खेलेंगे। पैट कमिंस की बात करते हैं, जे वी अच्छे फॉर्म में है, पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे और ऊपर से ही विकेटें गिरती है तो वहाँ पे आपके लिए पैट कमिंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एक नहीं दो नहीं कई बार 3 ओवर डाल देते हैं पावर प्ले में, तो इसलिए इनके विकेट चटकाने के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। एंड्रे रसल की बात करते हैं तो एंड्रे रसल ने अभी तक कुल मिलाकर विकेटें जो ली है वो ली है 7 और पिछले मैच में ज़्यादा गेंदबाजी इनसे नहीं करवाई गई। वरुण चक्रवर्ती बढ़िया फॉर्म में हैं और ये गेंदबाज स्किल वाइज ही बहुत अच्छा है क्योंकि विकटें इसको ऐसी नहीं मिली कि जहाँ पर ये स्पिन करा पाए, जहाँ पर ये विकेट चटका पाए, लेकिन फिर भी स्किल वाइज ही ये गेंदबाज बढ़िया है। कमलेश नागरकोटी नहीं खेलेंगे। सुनील नारायण खेल रहे हैं, पिछले मैच में 2 विकेटें ली थी इसी पिच के ऊपर तो ये भी थोड़ा सा आपको नोटिस रखना पड़ेगा। शिवम मावी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि विकटें इनको कम मिली है, 2 ही विकटें ली है लेकिन रन बहुत कम देते हैं। प्लेयर्स बैटर्स की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहता है किसी खिलाड़ी को छोड़ने में और किसी खिलाड़ी को पिक करने में, तो पृथ्वी शॉ की बात करते हैं। पृथ्वी शॉ प्रसिद्ध कृष्णा के आगे एक बार आउट हुए हैं, बाकी गेंदबाजों को अच्छा खेला है लेकिन विकेट अच्छी नहीं है, किसी गेंदबाज को भी ये आउट हो सकते हैं। शिखर धवन की बात करते हैं, शिखर धवन को वरुण चक्रवर्ती, प्रसिद्ध कृष्णा, पैट कमिंस और रसल और इवन नारायण भी आउट कर चुके हैं, रिकॉर्ड इनका अच्छा नहीं नजर आता है केकेआर टीम के गेंदबाजों के खिलाफ। स्टीव स्मिथ की बात करते हैं तो यहाँ पर रसल इनको 2 बार आउट कर चुके हैं, नारायण 2 बार आउट कर चुके हैं, पैट कमिंस के आगे तो बहुत बुरा हाल है इनका, तो इनके भी बड़ा स्कोर करने की उम्मीद कम ही है। ऋषभ पंत की बात करते हैं, यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती ने 1 बार आउट किया है, रसल ने 2 बार आउट किया है, नारायण ने 1 बार आउट किया है,
नारायण को जी खेल जाएंगे इस विकेट के ऊपर, रसल कम बॉल करेंगे इस विकेट के ऊपर, थ्रेड रह जाते हैं इनके लिए वरुण चक्रवर्ती। तो इसलिए ऋषभ पंत इस मैच में फिर से अच्छा कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा थ्रेड नहीं है सामने से इनको। मार्कस टोनिस की बात करते हैं, 3 बार रसल ने आउट किया है और 1 बार नारायण ने आउट किया है, 1 बार वरुण चक्रवर्ती ने आउट किया है, तो इनके लिए भी ज़्यादा बड़ा थ्रेड नहीं है। रसल कम बॉल करेंगे, ठीक है, नारायण इस विकेट के ऊपर उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, उतने विकेट नहीं चटका पाएंगे और वरुण चक्रवर्ती विकेट ले सकते हैं, तो ज़्यादा थ्रेड नहीं है, ये भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। शिमरॉन हेटमायर की बात करते हैं, तो सारे गेंदबाजों के खिलाफ तो नहीं खेल रहा है लेकिन वरुण चक्रवर्ती को 1 बार आउट हो चुके हैं और बाकी गेंदबाजों की रसल की इन्होंने पटाई की है, सुनील नारायण के आगे स्ट्रगल किया है। शुभमन गिल की बात करते हैं, इनके आंकड़े बहुत जबरदस्त नजर आ रहे हैं, केवल मिश्रा ने 1 बार आउट किया है, बाकी गेंदबाजों के आगे आउट नहीं हुए हैं, लेकिन पावर प्ले में आएंगे, ओपन करेंगे और ऊपर से ही विकेट गिरते हैं, कोई भी गेंदबाज इनको उड़ा सकता है। नीतीश राणा की बात करते हैं, मार्कस टोनिस 2 बार, अक्षर पटेल 1 बार और अवेश खान 1 बार इनको आउट कर चुके हैं, और वैसे इनके भी आंकड़े अच्छे नजर आते हैं लेकिन फिर से वही बात है कि ओपन करेंगे और आउट भी हो सकते हैं, ये देखना पड़ेगा हमें। राहुल त्रिपाठी की बात करते हैं, अक्षर पटेल 1 बार आउट कर चुके हैं, मार्कस टोनिस 1 बार आउट कर चुके हैं। इयान मॉर्गन की बात करते हैं, नीचे खेलेंगे 4 नंबर पे, मिश्रा थ्रेड है थोड़े से और मार्कस टोनिस थ्रेड है, और ये भी इस मैच में फिर से अच्छा कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा थ्रेड ऑपोजिशन टीम से इनको नहीं मिल रहा है जहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हो। दिनेश कार्तिक की बात करते हैं, तो यहाँ पर ईशांत शर्मा 2 बार, बाडा 2 बार, अमित मिश्रा 2 बार, अक्षर पटेल 1 बार और मार्कस टोनिस 1 बार। फॉर्म इनके पास जरूर अच्छा है लेकिन सामने वाली टीम के हर गेंदबाज ने इनको आउट किया हुआ है। एंड्रे रसल की बात करते हैं, तो रसल का भी कुछ यही हाल है, अवेश खान 1 बार, अरबाडा 1 बार, मिश्रा 1 बार, अक्षर पटेल 1 बार और मार्कस टोनिस भी 1 बार इनको आउट कर चुके हैं, तो लगभग सारे गेंदबाज इनको आउट कर चुके हैं। सुनील नारायण की बात करते हैं, अरबाडा 2 बार आउट कर चुके हैं, मिश्रा ने नहीं आउट किया है, बाकी गेंदबाजों को इन्होंने अच्छा ही खेला है। टीम की बात कर लेते हैं, तो आज की इस मैच की जो हमारी टीम रहने वाली है वो ये है, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, शिखर धवन, राहुल त्रिपाठी, पृथ्वी शॉ, सुनील नारायण, एंड्रे रसल, मार्कस टोनिस, अवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, वरुण चक्रवर्ती, तो ये रहेगी हमारी इस मैच की टीम। यहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे आप, शिखर धवन और पृथ्वी शॉ को, दोनों को इंक्लूड अभी मैंने किया है, लेकिन टॉप ऑर्डर के जो 3 प्लेयर ऊपर के आते हैं उनमें से 2 प्लेयर ही हम लोग इस मैच में ले सकते हैं दोनों टीमों की ओर से। 3 प्लेयर लेना रिस्की रहेगा क्योंकि ऊपर से विकटें गिरती है दोनों पारियों में, पहली पारी में भी और दूसरी पारी में भी। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने कैप्टन बनाया है ऋषभ पंत को क्योंकि ऋषभ पंत के अच्छे आंकड़े नजर आ रहे हैं। ऋषभ पंत के बाद जो दूसरे प्लेयर के अच्छे आंकड़े नजर आते हैं वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल को वाइस कैप्टन इसलिए मैंने नहीं बनाया है क्योंकि शुभमन गिल के आंकड़े तो जरूर अच्छे हैं इस टीम के खिलाफ लेकिन उनका फॉर्म बढ़िया नहीं है, तो इसलिए हमारे जो वाइस कैप्टन है वो है एट द मोमेंट एंड्रे रसल। और फाइनल टीम तो आपको मालूम है टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से आपको बता दूँ, माई 11 सर्कल का जो ऑफर है 1 रुपए में 1 करोड़ वाला बहुत बढ़िया है क्योंकि देखो यार 1 रुपए में 1 करोड़ वाली जो लीग है उसमें आप 1 रुपए में 15 टीमें लगा सकते हो, मतलब 15 रुपए आपके लगते हैं। और अगर आप पूरा IPL भी खेलते हो, जो बचे हुए जितने मैच हैं, तो कैलकुलेट करके खुद देख लो आप, 500 रुपए भी आपके नहीं बनते हैं, ठीक है, 500 रुपया भी आपका इन्वेस्ट नहीं होता है और आपको, आप खुद को मौका दे रहे हो 1 करोड़ जीतने का। इससे बढ़िया ऑफर मुझे नहीं लगता कि कहीं पे आपको मिलेगा, तो इसलिए इस ऑफर का फायदा उठाओ, IPL के बाद ये ऑफर नहीं मिलेगा। और माई 11 सर्कल का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे, पहले कॉमेंट में, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, दोनों जगह से आप डाउनलोड कर सकते हो और साइन अप करो और खेलना शुरू कर दो। तो चलिए दोस्तों ये था इस वीडियो में, किसी नए वीडियो के साथ करेंगे फिर से मुलाकात, तब तक के लिए दोस्तों आप रखिए अपना ख्याल और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।